गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर मलाशिया कुआलालंपुर में भी पार्टी कारकुनों ने भरपूर जश्न मनाया। पीटीआई के रहनुमा शहजाद खान मलिक, मुनव्वर इकबाल और दीगर ने पीटीआई की कामयाबी पर केक काटा। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ मलिक समर इकबाल से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलेशिया ने यहाँ सेलिब्रेशन की है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलेशिया के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर इकबाल साहब। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो इस मौके पर क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गिलगित की शऊर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान को यानी कि कामयाब किया और अल्लाह ताला हमारे मुल्क का यानी कि हामी नासिर हो। और बहुत अच्छा विज्ञापन दिया है, जो लोग कह रहे थे तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि एक ईमानदार और मुखलस आदमी है। अल्लाह ताला इमरान खान को और पाकिस्तान को सही सिमत पे लेके जा रहे हैं और अल्लाह उन्हें कामयाब करे। मैं गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान पर ट्रस्ट किया और उनको कामयाबी मिलाई। और पीटीआई के जितने भी लीडर हैं सबको मैं मुबारकबाद इस इलेक्शन जीतने की देना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के यहाँ मलेशिया में हमने जो पीटीआई के लोग थे, हमने यहाँ एक सेलिब्रेशन की है केक काटा है इस खुशी के मौके पर। और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है, अहम मौका है कि पाकिस्तान पीटीआई को वहाँ बहुत अच्छी कामयाबी मिली है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आइंदा भी पीटीआई को कामयाबी अदा करेगा। और इमरान खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे मुल्क को एक अच्छी सीमत की तरफ लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा और कामयाब। मैं जीपी की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने पुरअमन तरीके से वोटिंग की। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में इतने शफाफ इलेक्शन हुए हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे इलेक्शन का इनकार किया। और मैं इमरान खान साहब से एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जीपी की आवाम ने आपको ये जो चोर लुटेरे हैं इनसे पैसे वापस लेने के लिए वोट डाला है। अगर आपने अभी इन चोरों लुटेरों से लूटी डॉलर वापस ना कराई तो फिर आइंदा आपके लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं होगी। 2020 गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाबात इंतहाई और अमन तरीके से होना पाकिस्तान में जमहूरियत की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। मैं हूं समर इकबाल मलिक, ब्यूरो चीफ कोहिनूर टीवी, कुआलालंपुर।